कायदा त्यागी, बोलो तो उसके राजा चंद्रकेतु को कौन सा दंड दिया जाए? उस चंद्रकेतु को उसको सीधे सीधे गुरुदेव 302। गुरुदेव ये कैसा दंड है, आखिर आप ही प्रकट करें हम उस राजा को कैसा दंड दें। ध्यान रखो चारों भाइयों, मैं बताता हूँ तुझको कैसा दंड दिलाना है। आगे कीजिए। और रहे राम तुम्हें भक्त लाता हो, अब कैसा दंड दिलाना। रहे राम तुम्हें भक्त लाता हो, अब कैसा दंड दिलाना है। और वो सूर्यास्त होने से पहले उस दुष्ट राजा चंद्रकेतु का शीश काट करके हमारे चरणों में लाना होगा। लेकिन गुरुदेव इतनी छोटी सी बात और इतना बड़ा दंड आखिर क्यों गुरुदेव? ये कोई छोटी सी बात है? हम पर बीती तुम क्या जान सकते हो? फिर भी तुम चारों भाइयों ने मेरे चरणों की सौगंध खाया है। यही रघुवंशियों की हाल को निभा रहे हो, वंशियों की परंपरा को निभा रहे हो। इसी अयोध्या में अनेको राजा हुए, जैसे सकर दिलीप फकीरा जैसे महान राजा हुए। उन्होंने अपने आन के लिए जान को त्याग दिया है, परंतु रघुवंशियों की आन को नहीं जाने दिया। इस जगह पर गुरु गुर्जरों का अपमान हो, उस जगह पर ठहरा अर्जुन नहीं चाहिए। तुम सब हरी प्रकार से जानते हो गुरुदेव, हम आप श्रीमान मदन गुप्ता कारीगर और एस पी यादव कारीगर, ये 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हम। हे गुरुदेव आप तो हरी प्रकार से जानते हैं, हमारे तो रंग में रीत है कि रघुबरी सदा चली आपके चरणों में होगा। हाँ बेटा राम,
यही उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया। रात लक्ष्मण भैया बड़ा शत्रु है, गुरुदेव को बिठाओ और गुरुदेव की सेवा करो। इस देव से नारद का प्रणाम स्वीकार हो, सदा सुखी हो। देव श्री नारद आज सुबह सुबह अयोध्या पुरी में कैसे पदार्पण हो गए? हे भगवान, मैं तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाला हूँ, तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा था। मैंने सोचा कि चलो चलकर के प्रभु के दर्शन करते हैं, सो आपके दर्शन हो गए। देवशी नारद, तुम हमारे मात्र दर्शन हेतु तो आए हो या फिर कोई नई लीला लेकर के आए हो? नहीं भगवान, आप तो तीनों लोगों के स्वामी, परंतु मैं नई लीला। देवशी नारद, जब तुम्हारे शब्द में लेकिन अगर मगर लग जाता है तब तो हमारे हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है। हे भगवान, संसारी कोई बात नहीं है, ना तो कोई शंका की बात है, परंतु हे भगवान, जब मैं आपके दरबार में आ रहा था तो मेरे कानों में कुछ आवाज पहुंची, तो आपके घर आ गया हो तो दास आपसे निवेदन कर सकता है भगवान? कैसा निवेदन प्रकट करो? हेलो यादव मदन गुप्ता कारीगर, जसवी यादव कारीगर, मौर्य कलम से चलते हुए सिर पर 10 मुद्रा दे रहा, धन्यवाद। सुनो भगवान, कि प्रभु वर मुझको भी बतलाओ, तन किसे खंडित बैठो बैठो स्कूल बैठो। अरे वो असल
सौग्राम अंदर वाला मामला है। बैठो आप लोग, बैठो। देवर्षि नारद विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु समस्त तीर्थों का भ्रमण करके पुनः वापस आया है। देश यादव कृष्णा यादव की तरफ से दत्तस मंत्र आए तारा बाटा ढोला बाटू को दे रहे हैं। धन्यवाद। हेलो आप है श्रीमान धनी राम शर्मा बसंत विहार लखनऊ की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं चंद्रकेतु सिंह को। धन्यवाद। देवर्षि नारद और जानते उसने कैसा अपराध किया है। ऐसी ठोकर मार दी कि हमारे गुरुदेव का अंजल का जल निखर गया। इनका सूर्यदेव भगवान से ध्यान टूट गया। वो दंड योग्य है। हमने गुरुदेव को वचन दिया है कि सूर्य अस्त होने से पहले उस राजा का शीश गुरुदेव के चरणों में होगा। सो अवश्य होगा देवर्षि नारद, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हे भगवान, एक इतनी छोटी सी बात पर और एक राजा को मृत्यु दंड, क्या ये छोटी बात? हाँ भगवान। क्या कह रहे देवर्षि? भगवान, एक छोटी सी बात और उस राजा को मृत्यु दंड, हो सकता है उसे धोखे में ऐसी गलती हो गई हो और उसको मुनिओं को क्षमा कर देना चाहिए था। राजा था और गुना हो। हे भगवान, ऐसा मृत्यु दंड इतनी छोटी सी गलती पर नहीं देना था भगवान। हे मुनिवर, जानते हो कि भगवान इसमें अब राग नहीं कुछ भूल हुई क्षमा कर देना चाहिए था। मुझे बेमालूम होता है क्यों राजा चंद्रकेतु इतना बड़ा दोषी नहीं है जितने बड़े दोषी आपके गुरु है। क्या कहा नारद? ध्यान रखो नारद। और नारद तुम क्या कहते हो?
तुम्हारी अनिति है, तुम क्या जान सकते हो मुझ पर क्या बीता हुआ पल है। आओ उसको बतलाते हो एक पल के लिए ठहर जाता, क्या रखो नारद और यदि एक पल के लिए ठहर जाता तो मुझकी भूल समझ लेना, जो सुन खड़कते हैं मन में उनको बतलाते हो नीति नहीं है, नीति है ये न्याय नहीं अन्याय है। अगर मेरे आवाज देने पर एक पल के लिए वो ठहर जाता मेरे समीप आता अपने भूल के लिए क्षमा मांगता तो हम साधु संत थे उसे क्षमा अवश्य कर देते। आवाज देने पर एक पल के लिए मोड़ कर मेरी तरफ नहीं देखा, वो चंद योग्य है जो राजा चंद के ध्यान रखो राम। तुम चारों भाइयों ने मेरे चारों की सौगंध खाया है, कल सूर्य अस्त होने से पहले उस दुष्ट राजा चंद के शीश हमारे आप तो तीनों लोगों के स्वामी भगवत में वास करने वाले, मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ भगवान। प्रकट करो देवऋषि नारद, हे भगवान ये अपना प्राण पुनः वापस ले लो दीनाना। देवऋषि नारद ये तुम क्या कह रहे हो, मैं मान लेता कि उस राजा से भूल हो गई है कि यदि एक पल को रखो रुक जाता होता कुछ का
लक्ष्मण, उस राजा का शीर्ष काटने के लिए तुम जाना चाहते हो? हाँ भैया। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, सूर्य अस्त होने से पहले उस राजा का शीर्ष काट करके मेरे सम्मुख आ। जा प्रजा के मेरा प्रणाम स्वीकार। विजयी हूँ। लेकिन ठहरो लक्ष्मण, उस राजा का शीर्ष काटने के लिए तुम अकेले नहीं जाओगे, तो फिर मेरे साथ में कौन जाएगा? लक्ष्मण, मैं अवश्य बता रहा हूँ, आखिर तुम्हारे साथ और कौन जाएगा? हनुमान। कहो भगवान, क्या कहना चाहते हो? हनुमान, तुमसे कुछ कहना है। कि हनुमान हमारी बात सुनो, लक्ष्मण के साथ जाओ, सूर्य अस्त होने से पहले उस राजा चंद्रकेत का शीश काट करके मेरे सम्मुख आओ। अवश्य भगवान, हम आज प्रेरणा का पालन करेंगे दीनानाथ की है। Let's go.
करो तुझारे दीनानाथ। इस जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं, हमारे कार्य असफल बल्कि सफल हो, हर जगह पर हमारी जगहदार होते रहे और जिसने आपकी स्वस्थ बढ़ते रहे दीनानाथ। अवश्य हनुमान। तुम पर है आशीर्वाद आपको। हाथ छुप करके बैठा है, चलो चलो।